तो इसकी वजह से तकदीर का जो मामला है वो उलझ कर रह गया, तकदीर का जो फलसफा था, मामला था, वो इस वजह से उलझ कर ले गया। और फिर लोग क्या करते हैं, तकदीर के बारे में सवाल करते हैं कि भाई तकदीर क्या है, हमको समझाओ तो सही तकदीर क्या है। अक्सर लोग सवाल करते हैं तकदीर के बारे में। तो तकदीर यानी कि, तकदीर कहा जाता है कद्र, कद्र यानी कि पैमाना, पैमाना उसको कहा जाता है, इस्टीमेट उसको कहा जाता है, तकदीर यानी कि पैमाना और इस्टीमेट। तो तकदीर जो है वो अगर और लेकिन के साथ में है, इफ एंड बट के साथ में है, कि किसी ने ये किया तो ये होगा, ये ना किया तो ये होगा, उसके बाद में ये किया तो ये होगा, इसको बोलते हैं तकदीर। हर उसके अंदर जो है, अगर ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, और ये अगर जो है ना, ये इसको बोलते हैं इख्तियार देना, कि ये ऐसा अल्लाह ने तो चाहा था कि भाई ये ऐसा करेगा, लेकिन अगर इसने नहीं किया तो फिर उधर चला जाएगा, तो इसको कहते हैं अगर को इख्तियार। ये इसका इख्तियार था, उसको अल्लाह ने तो चाहा था सब सीधे चले, लेकिन ये अपनी मर्जी से गया, तो इसको बोलते हैं इख्तियार देना। तो ये कद्र है, कद्र का माना होता है कि पैमाना और उसकी जो है इस्टीमेट होता है। और फिर जो है इंसान सवाल करता है कि सब तकदीर में लिखा है, तो अगर कुछ बुराई हमने करी तो तकदीर में लिखी इसलिए करी, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते थे। फिर वो ये सवाल उठाता है, तो हमारी मर्जी थोड़ी है, फिर लगा मर्जी नहीं तो फिर हमारा इम्तिहान कैसा फिर कैसे लेगा, अल्लाह ने जब तकदीर में ही लिख दिया तो वो बुराई हमने इसलिए की। किसी को किसी ने कत्ल कर दिया, वो कह के अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा था इसलिए मारा है, नहीं तो इसको मैं मार ही नहीं सकता था, तो फिर मेरा इम्तिहान कैसे, मेरी तो गलती नहीं इसके अंदर, क्योंकि लिखा हुआ मैंने किया। तो ये, और उसके बाद फिर अगर इस फलसफे पर कोई ज़्यादा जोर दे, भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर उसको रोक दिया जाता है कि इस पर बहस ना करो, अगर इस पे बहस करोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो चुप हो जाओ। और ये बात जो है, ये कि ये ईसाई भी कहते हैं, जो हमसे भी कही जाती है कि भाई तकदीर पे बहस मत करो नहीं तो फिर गुमराह हो जाओगे, वो ये बात जो है ईसाई भी कहते हैं कि खुदा एक नहीं, एक का तीन है, और तीन का एक है, और एक का तीन है। अब ये जो फलसफा आज तक जो है हल नहीं हुआ उनका, क्योंकि ये तो गणित का सवाल है, मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के अंदर कोई दूसरी चीज़ हो ना, किसी दूसरा विषय हो, तो उसको जैसे तैसे हम तथ्यों से और किसी चीज़ से साबित कर सकते हैं, दूसरे दलाइल से। लेकिन कि ये है कि जब मैथमेटिक्स का जो कोई काम होगा तो उसके अंदर पास या फेल होता है कोई। अगर किसी बच्चे के एक सवाल आया कि भाई 100 और 100 कितने होते हैं, 200 प्लस उसके आया उस एग्ज़ाम में, अब वो 200 की बजाय उसके अंदर 199 लिख दे, और एक सवाल था उसका 100 नंबर का, और उसने लिख दिया उसके अंदर के नहीं 199, अब उसको फेल कर दे तो कह के नहीं भाई एक ही तो गलती की थी मैंने इसके अंदर, 200 लिखना था पर एक कम कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, एक नंबर काट लो, 99 तो दो। तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, उसमें तो होता है कि या तो सही या फिर गलत, ये उसके अंदर होता है सीधा सा। तो मैथमेटिक्स का ये सवाल है कि भाई एक का तीन और तीन का एक कैसे होगा, तो ये आज तक हल नहीं हुआ, फिर समझ में नहीं आता, तो फिर उसके बाद वो बड़ी दलाइल देते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस उसके बाद फिर नहीं बात होती, तो कहते हैं बस ईमान है, ईमान की बात है, इसे कैसे ही मान लो, नहीं तो फिर तुम भटक जाओगे, इसको ऐसा कैसे ही मान लो। और इस्लाम के अंदर भी फिर हम मुसलमानों को भी कह दिया कि भाई इस पर किसी चीज़ पर बहस मत करो, ईमान की बात है, इसे कैसे ही मान लो। तो ईमान की जो बात होगी इस्लाम के अंदर, जो भी ईमान की बात है, वो बातें हमारे सारी की सारी हम समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ईमान की बात नहीं, ईमान की बातें हम सारी की सारी समझ सकते हैं। तो अल्लाह ने ये कहा है कुरान के अंदर कि बगैर देखे ईमान लाओ मुझके, मेरे ऊपर। लेकिन बगैर देखे मानने का मतलब ये नहीं कि बगैर समझे मान लो, समझ के मानो, बगैर देखे मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप सोचो भी मत उसके बारे में और ऐसा कैसे ही मान लो, तो समझ के मानो, और ये नहीं कि अकल बंद कर लो। और आखिरत के ताल्लुक, आखिरत भी नहीं दिखती हमको कि क्या होने वाला बाद में, हमें नहीं मालूम, तो ये भी जो है गैप का मामला है। तो लेकिन इसके लिए भी कहा कि इसको भी समझ के मानो, और ये वाकई में इसको समझेंगे तो हम इसके भी सबूत अकल से भी दे सकते हैं, कुरान से भी दे सकते हैं हम, क्योंकि इसके भी सबूत है। क्योंकि एक आदमी ने एक आदमी का कत्ल कर दिया, अब उसको कोर्ट कितनी सजा देगी, तो उसने इंतहाई जो है बहुत ही अच्छी ऐसे तरीके से किया कि बहुत जालिमाना तरीके से उसको कत्ल किया, कि उसके पहले दोनों उसने सारी उंगलियां काट दी, फिर हाथ काट दिया, फिर आंखें फोड़ दी, फिर दांत तोड़ दिया, फिर सर फोड़ दिया, और ये सब रिकॉर्डेड मौजूद हो गया और कोर्ट के सामने गया, तो उसको कोर्ट क्या सजा देगी, फांसी। अब ऐसा कैसे ही आदमी, किसी ने 1000 लोगों को इस तरह से कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा क्या देगी कोर्ट, फांसी।
क्योंकि उनके पास इसके अलावा चारा नहीं। तो ये बात अकल तस्लीम करती है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी का कत्ल करे उसको भी फांसी, और 1000 का कत्ल करे उसको भी फांसी, तो इसको और सजा मिलनी चाहिए, और ये वो सजा उसको आखिरत में मिलेगी, इसलिए आखिरत है। तो इसको हम अकल से भी इसको समझा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा कैसे ही मान लो, तो अकल से तो मानने को खा, लेकिन तो गेप का माना ये नहीं होता कि उस पर अपने पर्दा पड़ जाए आंखों के ऊपर, बल्कि अल्लाह ने तो कहा कि पर्दे को हटाओ और समझो उस चीज़ को, तो ये उसका माना होता है। तो बुनियाद हमेशा क्या होगा, कुरान रहेगा किसी भी चीज़ का। अल्लाह ने यह फरमाया सूरह निसा सो नंबर 4 आयत नंबर 82 में कि अफला या तदब्बुरुन अल कुराना, क्या लोग कुरान पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं, अकल नहीं लगाते इसके ऊपर कि अगर ये अल्लाह की बजाय अगर किसी गैर अल्लाह के नाम, किसी गैर अल्लाह का होता तो फिर इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अब जब ये आयत आ गई कि हक आ चुका है, हक आ चुका है और रब की तरफ से, अब जो कहीं चाहे तो माने और जो चाहे तो उसको ना माने, तो अब इसके खिलाफ अगर कोई भी कुरान की आयत हो नहीं सकती, क्योंकि फिर अगर उसके अंदर, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो इसमें टकराव हो जाता, तो फिर इस आयत के खिलाफ कोई आयत हो नहीं सकती कुरान के अंदर, जिसका माना हम ये ले कि अल्लाह चाहे जिसको गुमराह करे, अल्लाह चाहे जिसको हिदायत दे, क्योंकि नहीं तो फिर इख्तिलाफ हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, आपस में आयतें टकराएंगी, तो ये आयत टकरा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये तो अल्लाह की किताब है, तो उसके अंदर टकराव है ही नहीं, तो इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, तो इसके माने के खिलाफ कोई आयत फिर वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये कौन कह रहा है, ये अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह की आयत कह रही है कि इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है और ये अल्लाह का कलाम है। तो अब जो भी कुरान के अंदर इस मोहकम आयत के खिलाफ जब भी ऐसा कोई बात आएगी जो इसी अल्फाज आएंगे, तो फिर उसको माना नहीं जाएगा, उसका माना ऐसा ही लिया जाएगा जो इस मोहकम आयत के अंदर आया है। तो ये भटकाने का काम किसका है, तो भटकाने का काम है शैतान का, अल्लाह का काम सिर्फ हिदायत देना है, ये भटकाने का काम शैतान का है। तो इंसान और जिन का एक साथ एक इम्तिहान लिया गया, हम कुरान के अंदर हमको मिलता है, हदीसों में हमको मिलता है कि और शैतान ने जो है उसके अंदर शैतान भटका, तो इंसान को भटकाने की इजाज़त अल्लाह ने खुद उसको दी, वो इसलिए दी क्योंकि अल्लाह को क्या करना था, इंसान का इम्तिहान लेना था, तो उसने जरिया शैतान को ही बना दिया, हालांकि वो शैतान खुद भटका, तो अल्लाह ने वही जरिया बना दिया कि ये जो है फिर लोगों को भटकाएगा और ये इम्तिहान है दुनिया के अंदर, ये इसकी परीक्षा, ये इसका टेस्ट बनेगा। तो हिदायत का मतलब यह है कि ये नहीं कि तकदीर बदल दे, या फिर यानी कि किसी को ज़बरदस्ती अल्लाह मोड़ दे, उधर जाना चाह रहा और अल्लाह उसको मोड़ दे, तो हिदायत का मतलब सही रहनुमाई, उसको सही तरह से गाइड करना, सही मार्गदर्शन करना, ये उसका हिदायत का मतलब होता है। हिदायत का मतलब नहीं होता है कि वो उधर जा रहा था, अल्लाह ने हिदायत दी और इधर मुड़ गया मस्जिद की तरफ, उसका होता है सही गाइडेंस करना, उसको रहनुमाई करना, ये अल्लाह करता है।